बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां खराब मौसम के चलते गड्ढा मुक्त अभियान हुआ सुस्त। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार 10 अक्टूबर तक भरने हैं गड्ढे, वहीं नगर निगम अभी सूची तैयार करने में जुटा। बताते चले कि नगर निगम मुख्य अभियंता के मुताबिक बारिश रुकते ही बनने लगेंगी सड़कें, वहीं बारिश के बावजूद भी जोन 3 अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता विनोद पाठक ले रहे हैं खबरों का संज्ञान। जरूरत के हिसाब से सहायक अभियंता जर्जर सड़कों के भरा रहे पैच, वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। रितेश जी, नगर निगम की जो सूची तैयार हुई है गड्ढा मुक्त अभियान की, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, गड्ढा मुक्त अभियान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किया है कि 10 अक्टूबर तक जितने भी गड्ढे हैं राजधानी में बल्कि प्रदेश में सभी को भरा जाएगा, सभी पैकेज को। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से मौसम का बदलाव हुआ है, उस बदलाव को लेकर के अभी उन सड़कों के पैच वर्क के काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर बात की जाए लखनऊ लोक निर्माण विभाग प्रांतीय संघ की, तो उनके अधिशासी अभियंता ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार जो रोडे थी उनके पैच कुछ भरे गए, लेकिन अभी डामरीकरण जो है डामर लगाने का जो काम होगा वो बारिश के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल नगर निगम और लोक निर्माण विभाग दोनों लखनऊ में इस जुगत में लगे हुए हैं कि जितने भी गड्ढा युक्त सड़कें उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, उनको बनाया जाए, लेकिन फिर भी अभी बारिश की वजह से कुछ काम रुके पड़े। रितेश जी, जो ये जिस तरीके से कभी कभी जिस बारिश का मतलब इतना बुरा दौर शुरू हो जाता है कि इसमें सड़कों में गड्ढे मतलब बन जाते हैं, सड़क में बिल्कुल अचानक से वाहन जा रहे होते हैं और सड़क वहाँ की धंस जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पानी की जो रुकावट है, पानी इतना भर जाता है, वो उसके क्या कारण आपको लगते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राजधानी लखनऊ में आपने देखा होगा कि लगातार सड़कों के बैठने का मामला है, तो हमने अपने चैनल पर दिखाया भी था कि लखनऊ में सड़कें पाताल बन रही हैं। विकास नगर एरिया में बड़ा ट्रंक लाइन डाला गया था, ट्रंक लाइन डालने की वजह से वहां पर बड़ा होल हुआ, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के पास में एक होल हो जाता है, उसके बाद फिर आपने देखा होगा हजरतगंज में एक हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो जल का रिसाव है नगर निगम की वजह से, जो नगर निगम की जितने भी जलकल की या सीवर की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं होल है। इसको सबसे बड़ा मामला विद्युत विभाग का आता था, क्योंकि विद्युत विभाग जिस तरीके से भूमिगत लाइन को अपने डालता था, उस लाइन की वजह से कहीं ना कहीं सीवर में होल हो जाते थे, नाले में होल जाते थे, जिसकी वजह से रोडें बैठती थी। फिलहाल अभी रोड बनाने की जो बात की जा रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है, वो रोड इस तरह की बनाई जा रही है कि जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढे को मुक्त किया जा रहा है, गड्ढा जो भी करते हैं उन्हें बनाने की कवायद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग और ये नगर निगम को संज्ञान में लेने की जरूरत है इस समस्या को, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है सड़क धंसने की। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।